कथा पुरुषार्थ कथा सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा सत्य कथा पुरुषार्थ कथा सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। चढ़ते सूरज सा तेजवान वो कीर्तिमान, हुंकार भरे जब कूच करे थर थर कांपे आसमान। वो राजपुत्र वो शूरवीर, पर्वत को भेद दे उसके तीर, शांति का स्रोत करुणा की धार, निर्धर झरे मन से अपार। वो राजपुत्र वो शूरवीर, पर्वत को भेद दे उसके तीर, है शाक्य वंश का वो तारा। जगमग है जिससे जग सारा। सत्य कथा पुरुषार्थ कथा एक और कौशल राज का निमंत्रण और दूसरी ओर सिद्धार्थ की चिंता। जो अब आपको नहीं है। क्या कहना चाह रही हो तुम? सिद्धार्थ को रंग भवन भेजना उचित है क्या? उसमें अनुचित क्या? गीत संगीत भोग विलास क्षत्रियो का गुणधर्म है। किंतु इस आयु, हाँ इसी आयु में, क्या इस आयु में सन्यासी की तरह सोचना उचित है? मैं उसमें वो सारी कामनाएं जागृत करना चाहता हूं जो एक राजा में होनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि सन्यासियों की तरह वो अपने ही जटाओं में उलझा रहे। मैं चाहता हूं कि वो सुंदरियों के केशालाप से खेले, श्रृंगार रस घोले। कौशल राज की तरह मैं भी अपने पुत्र का राज्याभिषेक करना चाहता हूं। और हां, वो तुमसे रंग भवन जाने की अनुमति मांगने आए तो तुम उसे मना नहीं करोगी? मां देवी, एक मां की विडंबना देख अपने पुत्र को रंग भवन जाने की अनुमति देगी? महाराज शुद्धोधन, कौशल राज्य में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कपिल वस्तु से श्रवस्ती तक का प्रवास आपका सुखद रहा होगा। जी मंत्रीवर, अपने घर से चले और आपके घर पहुंच गए। बस पधारिए महाराज। महाराज शुद्धोधन पधार रहे हैं। विराजिए महाराज।
भाई महाराज, ये व्यापार समझ नहीं आया। गणराज्यों में आपसे बड़ा कौन है इसके लिए वो सिंहासन रिक्त रखा गया है? महाराज दंड पानी पधार रहे हैं। विराज, मंत्रीवर्य, यह हमारा अपमान है। आप भली भांति जानते हैं कि शाक्य कुल के महाराज महाराज शुद्धोधन है और हमारी छत्र छाया में गणराज्य के सभी राजा आते हैं। क्षमा करें महाराज, परंतु राजा दंडपानी कौशल राज्य के घनिष्ठ मित्र हैं। तो क्या उनकी मित्रता की आड़ में आप हमारे महाराज का अपमान करेंगे? अब हम यहाँ एक क्षण भी नहीं रुक सकते। महाराज रुकिए, अरे महाराज मेरे मित्र से भूल हुई, आप मेरे आसन पर विराजे, आप औदे में हमारे महाराज। अगर इतना ही ज्ञान है तो आपको भी सभा को अभी त्याग देना चाहिए। मैं आपसे क्षमा मांगता हूं महाराज शुद्धोधन, आइए आसन ग्रहण कीजिए। जहां मान नहीं वहां स्थान नहीं दंडपानी। महाराज शुद्धोधन, मेरे मंत्री को क्षमा करें, यह नहीं जानता कि ये छोटे छोटे अपमान पर महायुद्ध आरंभ हो जाते हैं। तुम्हें इसी क्षण तुम्हारे कार्यभार से निलंबित किया जाता है। महाराज, आप चाहे तो इसी घड़ी इसकी गर्दन इसके धड़ से अलग कर दीजिए, किंतु आप प्रसन्नजीत को आशीर्वाद देकर ही यहां से जाइएगा। यह मेरा आग्रह है कि आप हमारे अतिथि विशेष के रूप में राज्याभिषेक के साक्षी बने। आइए महाराज। भाई महाराज, क्या हुआ? कुछ नहीं अनुज, मैं अचानक सिद्धार्थ का राज्याभिषेक देखने लगा था। तथास्तु, जब सिद्धार्थ सजेगा तो सारा भारत वर्ष देखेगा। अरे मुझसे कैसी लाज युवराज, मैंने तो आपको बचपन में खूब सजाया है। मैं कहां लजा रहा हूँ, लाज तो स्त्रियों का गहना है। युवराज, सारे कुमार आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं।
लाज औरतों का गहना है तो संयम पुरुषों का आभूषण है युवराज। चलिए महामंत्री, मैं तैयार हूँ। बस कुमार, एक बार युवराज सिद्धार्थ आ जाए। सिद्धार्थ, मेरी बात मानिए, वो नहीं आएगा। उसे सुरा और सुंदरी दोनों में ही कोई रुचि नहीं है। उसे तो केवल पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी बजाने में ही आनंद आता है। लेकिन हम वहाँ पर करेंगे क्या? हमें कुछ नहीं करना है अनुज, जो करेंगी वो सब सुंदरियाँ करेंगी। वो क्या करेंगी? वो मदिरा का पान कराएंगी, मन बहलाएंगी और मैं तो बहुत उत्साहित हूँ महामंत्री, इस दिन की मुझे कई दिनों से प्रतीक्षा थी। लो आ गए हमारे अतिथि विशेष, चलें। एक प्रश्न है। लो हो गए शुरू। रंग भवन जाने का उद्देश्य? हम रंग भवन इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अब आप बड़े हो गए हैं, जीवन के नए पहलू पे दृष्टि डाल सके। उम्र के साथ शरीर और भावनाएं भी बदलती हैं। हर एक चीजों का ज्ञान आवश्यक है। वहां क्या होगा? सारी रात प्रश्न और क्या? माया का परिचय होगा, काम का ज्ञान होगा, वासना का बांध टूटेगा। कुछ बातें समझाई नहीं जाती सिद्धार्थ, समय के साथ साथ समझ में आती है। राग द्वेष मोह माया वासनाओं के बंधनों में बंधोगे तभी उसे छोड़ने का ज्ञान होगा। हाँ हाँ, चलिए महामंत्री, मुझे भी माया काम और वासना से परिचित होना है। चलिए। चलिए। क्या हुआ? एक और प्रश्न। चलिए आइए। युवराज, ये रंग भवन आपके लिए विशेष रूप से आनंद प्रमाद के लिए सजाया है। यहां से सुख शुरू होता है। चलिए। राजकुमारों का स्वागत है, पधारिए। ठिठोली है मोहनी। सच्चाई है महामंत्री जी, कहने को तो ये रंग भवन है लेकिन है यहाँ केवल अग्नि ही अग्नि, और ये अग्नि जलाती नहीं लिपट जाती है। चित्त को अपने मोह पाश में जकड़ लेती है। यदि राजकुमारों में हिम्मत है तो कदम आगे बढ़ाएं, अन्यथा लौट जाए। आपकी बातों ने हमारी जिज्ञासा को चुनौती दी है देवी, अब लौटना संभव नहीं। स्वागत है आपका भी।
जो सोचा था वही हुआ। कहते हैं ना कि कमल कीचड़ में खिलता है। पर यहां तो कमल तल तल में ही धस गया। अब देखते हैं। सिद्धार्थ कभी भी रंग भवन से बाहर नहीं आ पाएगा। हाँ, और समय रति ने युवराज को अपने बाहों के फास में चकर लिया होगा। युवराज, मेरा नाम उर्मिला है। अब आप हमें अपनी सेवा करने का अवसर दीजिए। मुझे लगा तुम्हारा नाम सरस्वती होगा। मैंने सदैव वीणा को माँ सरस्वती के हाथों में देखा है। कदाचित उनके पश्चात तुम ही होगी जो इतनी मधुर वीणा बजाती हो। मैं आपके लिए ऐसा क्या कर सकती हूँ जिससे आपका चित्त प्रसन्न हो? अगर तुम मेरा चित्त प्रसन्न करना चाहती हो तो मुझे रिचाए गाकर सुनाओ। क्षमा, रिचाए मैं नहीं जानती, और वैसे भी उन्हें गाना तो ब्राह्मणों का अधिकार है, गणिकाओं का नहीं। ऐसा किसने कहा? वेद उसी के जो उसका पठन करें, रिचाए उसी की जो उसे गाएं। आवाज जाति वर्ण और ज्ञान से परे होती है। पर गणिका, गणिका सबसे परे होती है युवराज। हमने तो केवल प्रेम का शास्त्र सीखा है। प्रेम ही हमारा वेद है, आकर्षण उसकी रचाएं और तृष्णा उसका फल। तो ठीक है, जो तुम्हें आता है वही सुनाओ। रागली कोई
वहां पर रख दो। क्या देख रहे हो? कपिलवस्तु की इन गलियों को। क्यों? ऐसा क्या है इनमें आर्य? देख रहा था, जब इन्हीं गलियों में सिद्धार्थ मदिरा का प्याला लिए घूमेगा तब जाके महाराज को पता चलेगा कि उन्होंने सिद्धार्थ को किस दलदल में फेंक दिया। रंग भवन बहुत अच्छी जगह है। और कंचनी 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 फूल से भी कोमल है, एकदम एकदम नाजुक पंखड़ी। कंचनी देवदत्तम रंग भवन और कंचनी युवराज, ये आपका उपवस्त्र। आप कब आएंगे? जब सांझ ढलेगी, जब मन विचलित होगा। क्यों यहाँ क्यों आओगे? क्योंकि जब मन विचलित होता है तो गुरुदेव ने मुझे ध्यान का मार्ग सिखाया, परंतु कल रात तुम्हारी आवाज ने ध्यान की कमी का आभास भी नहीं होने दिया। तो उपहार? उपहार? उपहार क्या दूं? वैसे मेरी रात तो यहीं रह गई, तो तुम इसे ही उपहार समझ लो। मुझे कुमार अनिरुद्ध ने पाचुपन दिया। अरे वाह, मुझे महानाम ने माला दी। मुझे कुमार देवदत्त ने अपना घोड़ा ही दे दिया जो वो ले जाना भूल गए। तू बता उर्मिला, तुझे युवराज ने उपहार में क्या दिया? अपनी मित्रता और स्त्री होने का सम्मान। सबके सामने आपका अपमान जानबूझकर किया गया था भाई महाराज, ये कोई व्यवस्था की त्रुटि नहीं थी। महाराज वो हमें युद्ध के लिए उकसा रहे हैं ताकि हम निमित्त बने और उन्हें युद्ध करने का कारण मिले। वो ऐसा तभी कर पाएंगे सेनापति जब उन्हें पूर्ण विश्वास होगा कि वो हम पर विजय प्राप्त करेंगे। शाक्यों पर विजय प्राप्त करना इतना सहज नहीं है महाराज। इसीलिए वो हम शाक्यों में फूट डालकर हमें निर्बल करने का प्रयत्न कर रहे हैं, और यही कारण था उन्होंने राजा दंडपानी को एक विशेष स्थान दिया। कारण जो भी हो अनुज, हमें चौकन्ना रहना चाहिए। राजनीति यह कहती है कि उन्होंने प्रसन्नजीत को राजा बनाया और फिर उसे चक्रवर्ती बनाने का प्रयत्न अवश्य करेंगे। सेनापति, गुप्तचर को सावधान करो, प्रत्येक जानकारी जुटाओ। न जाने क्यों मुझे कपिलवस्तु के क्षितिज पर युद्ध के बादल दिखाई दे रहे हैं। नौशिका, कल रात भी सिद्धार्थ अपने कक्ष में नहीं था ना?
इसीलिए मैंने विरोध किया था, पर महाराज ने मेरी नहीं सुनी। परिणाम देख, सिद्धार्थ दिन रात रंग भवन में बिताता है। नहीं, सन्यासी और सम्राट के इस युद्ध में वो अपनी मनुष्यता ही ना खो बैठे। युवराज, वृक्ष से लिपटी उस लता को देखिए, मानो मन भावनाओं से सजी धजी कोई स्त्री उत्तेजना के साथ अपने मन चाहे पुरुष से लिपट गई है। युवराज, उन झाड़ी को देखो, ऐसा लगता है मानो हरे वस्त्र पहने एक सुंदर रमणी अपने प्रेमी की प्रतीक्षा करते करते किनारे पर ही सो गई हो। नींद में भी उसके उभार पुरुष को आकर्षित कर रहे हो। पक्षियों में नारी जाति का सामर्थ्य देखो, मादा आगे आगे चलती है और नर उसके पीछे पीछे, मानो वो उसका दास हो। पर नर ऐसा जानबूझ के नहीं करता, ये तो प्रेम जताने का एक ढंग है, क्योंकि वो अपनी प्रेमिका को खोना नहीं चाहता। विचलित होता है तो मैं तुम्हारे पास आता हूं। जब तुम्हारा मन विचलित होता है तो तुम कहां जाती हो? सुना था लज्जा अब सबसे कोसों दूर भागती है। स्त्री जब किसी से प्रेम करती है तब लज्जा के अधीन हो ही जाती है। तुम किसी से प्रेम करती हो? हाँ। तो मुझे उससे कब मिलवाओगी? समय आने पर मिलवाऊंगी, पर आप वचन दीजिए ये बात किसी से नहीं कहेंगे। नहीं कहूंगा, यदि तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो तो मैं तुम्हारी सहायता भी करूंगा। आपके प्रश्न तो कभी समाप्त ही नहीं होते युवराज, पूछिए। प्रेम क्या है उर्मिला? प्रेम जो कहा ना जाए, जो किया ना जाए, बस हो जाए, जिसे केवल अनुभव किया जाए वो प्रेम है। कोई कोसों दूर रहकर भी हर समय पास लगे, किसी की हर पीड़ा पर अपना अधिकार लगे। प्रेम ज्ञान का विषय नहीं, अनुभूति की बात है। प्रेम तन को नहीं, मन को छूता है। अब बताओ, जल से पतला क्या होता है? प्रेम ज्ञान। उर्मिला, क्या प्रेम जल से पतला होता है? हाँ, लाख रुकने पर भी वो अपना मार्ग ढूंढ ही लेता है। और ज्ञान? जहां प्रेम होता है वहां ज्ञान का तराजू नहीं चलता। क्या प्रेम दिखाई देता है उर्मिला? हाँ, आंखों में
हिल लो मेरी आंखों में स्वयं से। कौशल देश का राजदूत, सैनिक को बंदी बना लो इसे। युवराज, आप पूछ रहे थे ना जब मेरा मन विचलित होता है तब मैं कहां जाती हूं। ये वही है मेरा प्रेम। युवराज, मेरे प्रेम की सहायता कीजिए, उन्हें बचा लीजिए युवराज, उन्हें बचा लीजिए। मैं बलदेव से प्रेम करती हूँ युवराज, उसके अतिरिक्त मेरा और कोई नहीं है, उन्हें बचा लीजिए युवराज। परंतु ये कैसे संभव है? वो कौशल देश का राजदूत है और तुम कपिल वस्तु की, वो एक गुप्तचर और तुम? क्षमा कीजिए युवराज, वो कौशल देश के अवश्य है परंतु वो गुप्तचर नहीं है। कोई कैसे माने तुम्हारी इस बात? कोई नहीं मानेगा युवराज, कोई नहीं मानेगा, पर बात सच है। पिछले वर्ष मैं और मेरी कुछ सहेलियां जल क्रीड़ा के लिए गए थे। मैं सबको छोड़कर आगे निकल गई। अचानक मेरे पैर जल लताओं में फंस गए, प्राण निकलने ही वाले थे कि दो हाथों ने मुझे बचा लिया। वो प्रथम दृष्टि थी जब प्राणों ने प्राणों को पहचाना था, आंखों ने आंखों को वचन दिया था। वहां कोई देश नहीं था, कोई धर्म नहीं था, कोई वर्ग नहीं था, था तो केवल प्रेम। क्या प्रेम की एक दृष्टि आयु भर के लिए पर्याप्त होती है? हाँ युवराज। तो क्या उसे पता नहीं था यदि वो पकड़ा जाएगा तो उसे गुप्तचर समझा जाएगा? प्रेम भय से परे होता है युवराज, नहीं तो भवरा कमल में बंदी बन के मरता नहीं, आग में पतंगा जलता नहीं। मान लिया कि वो तुमसे प्रेम करता है, पर मुझ पर आक्रमण करने का अर्थ? वो भी प्रेम के कारण। प्रेम के कारण? जब कोई किसी से प्रेम करता है ना तो अपने प्रेमी को किसी दूसरे के साथ देखना सहन नहीं होता, ईर्ष्या होती, अपने प्रेमी को खो देने का भय होता है। उसे लगा होगा कि हमारे बीच कोई संबंध है,
पर मैं तो केवल तुम्हारा मित्र हूँ। परंतु वो ये नहीं जानते, इसलिए मैं कैसे मान लूं कि जो तुम कह रही हो वो सत्य है। जीवा सत्य बोल देती है, परंतु आंखें कभी सत्य के अलावा और कुछ नहीं बोलती। झांक लीजिए इन आंखों में, अगर रत्ती भर भी असत्य दिखाई दे तो छीन लीजिए हमारे प्राण। क्या आपको हमारी आंखों में प्रेम की सच्चाई नहीं दिखाई देती? कहिए युवराज, कहिए। अगर तुम्हारी बात सच्ची है और बलदेव का प्रेम खरा तो मैं तुम्हें वचन देता हूं, बलदेव को कुछ नहीं होगा। सत्य कथा पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। कितने लोग हैं तेरे साथ बता? हमारे कौन से भेद जानने आए थे तुम लोग? क्यों भेजा है कौशल राज ने तुम्हें? बता, युवराज पर आक्रमण क्यों किया तुमने? बताओ। और इतने दिन तू यहाँ पे क्या कर रहा था? बता कौन सी चाल चल रहा है कौशल राज हमारे विरुद्ध? बता। मैंने कोई भेद नहीं चुराए। मारो इसे। अंतिम बार पूछ रहा हूँ, बता। मेरे साथ और कोई नहीं है, मैं कौशल राज का गुप्तचर नहीं हूँ, मैंने कोई भेद नहीं चुराए। तो युवराज के प्राण तुम क्यों लेना चाहते थे? क्योंकि वो मेरी प्रेमिका के साथ। प्रेमिका के साथ है? ये सत्य कह रहा है मंजिले काका, उर्मिला से प्रेम करता है। उर्मिला? वो गणिका? गणिका और प्रेम? ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं युवराज, ये गुप्तचर है, केवल गुप्तचर। ये राजदूत है जो कौशल राज्य का निमंत्रण देने आया था। राजनीति में गुप्तचर को मुक्त नहीं किया जाता युवराज। राजनीति में राजदूत पर हथियार भी नहीं उठाए जाते, उसे अभय वचन दिया जाता है। राजदूत कभी भी युवराज पर आक्रमण नहीं करते, और इसने तो आप पर। ये दोनों बातें अलग हैं, इसे इस विषय के साथ ना जोड़े। क्यों ना जोड़े? ये गुप्तचर है इसीलिए इसने आप पर आक्रमण किया। या आक्रमण किया इसीलिए गुप्तचर बना दिया गया। मुक्त कर दो इसे। आप इसे मुक्त नहीं कर सकते, ये आपके अधिकार क्षेत्र के बाहर है, ये राज्य की सुरक्षा का विषय है, इसे केवल महाराज की अनुमति पर छोड़ा जा सकता है। तो फिर आप भी इसे इस तरह से पीड़ित नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर था। आप भी महाराज की प्रतीक्षा करें। युवराज होने के नाते आज मैं इसे एक अभय वचन देता हूं, और सब इसका पालन करें। Oh!
अब मैं बलदेव से एकांत में बात करना चाहता हूँ। युवराज, हम आपको अकेला नहीं छोड़ सकते, कहीं इसने फिर से। आप चिंतित ना हो महामंत्री, मैं सुरक्षित हूँ, बस आप हमें एकांत दें। सिद्धार्थ अपनी मर्यादा और बड़ों का आदर भूल रहा है। क्या एक गुप्तचर राजदूत का वेश धर कर आया है? नहीं, एक राजदूत एक प्रेमी बन के रह गया। तो तुमने मुझ पर आक्रमण क्यों किया? आप जानते हैं मैं उर्मिला से प्रेम करता हूं, किसी और को उसके साथ नहीं देख सकता। तुम्हें ऐसे देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है बलदेव, कोई किसी से इतना प्रेम कैसे कर सकता है? राज, प्रेम कीजिए, जान लेंगे। तुम्हारे प्राण भी जा सकते थे बलदेव। हाँ, जा सकते थे, पर कोई मेरी प्रेमिका के साथ संबंध रखे उसकी विवशता का लाभ उठाए। मैंने कभी किसी की विवशता का लाभ नहीं उठाया, हम केवल मित्र हैं। उर्मिला केवल तुमसे प्रेम करती है बलदेव, केवल तुमसे। क्या तुम उर्मिला से विवाह करोगे? क्या तुम उसे अपनी पत्नी का स्थान दोगे? तो वचन है ये मेरा, तुम्हारा विवाह मैं करवाऊंगा उर्मिला से। आप धन्य है युवराज, आप धन्य है।